फेमिनिज्म को प्रमोट करने के या फलाइज्म को प्रमोट मर्द होता ही ऐसा है, मर्द होता है इस तरीके से। तो वो माशरा जहलों का था जहां पर जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता। वी हैव लिव्ड इन अ सोसाइटी जहां जो ज्यादा मुंह का फायर है वो ज्यादा चीता है। आप एक कॉमेडियन को इज्जत दे रहे हैं माशरे के अंदर जिसका काम ही सिर्फ ऐसे एस्पेक्ट्स पे जोक्स करना है जो कमजोर एलिमेंट। और कहां उस सोसाइटी में आपको वो फरिश्ते मिलेंगे जहां पे रेसिज्म ना हो, कम्युनलिज्म ना हो। एक महाजर लड़का है, उसके साथ किसी दूसरे प्रोविंस के लड़के ने बुली कर दिया जिंदगी में, किसी उसका एक इंसिडेंट बुरा हो गया, वो तो सारी जिंदगी ट्रॉमे में चला जाएगा, वो बायसनेस आ ही जाएगी ना उसका, खत्म। एक बच्चा बलूचिस्तान में आंख खोलता है और वो देखता है कि भाई बड़े लड़ी इसी मसले के ऊपर रहे हैं कि पंजाब के मसले हैं, ये मसले, वो सारी जिंदगी उसी बायस को लेके चलेगा कि सारे पंजाबी होते ही ऐसे हैं। एक बंदा है वो देखता ही सबके ऊपर गैरत के नाम पे कत्ल देख रहा है। या एक बेटी है घर के अंदर, उसने अपने बाप को जुल्म करते हुए देखा अपनी माँ के ऊपर, तो हमेशा किसी एक मर्द को जो है वो जालिम ही समझेगी और वो हमेशा फीमेल अपोलोजी, ये रीजंस बनेंगे ना उसके आगे, फेमिनिज्म को प्रमोट करने के या फलाइज्म को प्रमोट, मर्द होता ही ऐसा है, मर्द होता है इस तरीके से। और एक जगह पे आप ऐसे हो जहाँ पर आप जो है औरत जात का ही मामला ही जीरो कर दें, औरत होती यही है, औरत फलान है, औरत। आई एम टेलिंग यू, ये ही चीज़ पर दीन ने आके बात की थी, उस बिगड़े हुए जाहिल, इसको जाहिलियत से तशबीह दी थी, ताबीर दी थी कि वो माशरा जाहिलों का था जहाँ पर जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे। तो अगर तुम कब्र में नहीं उतार रहे हो तो कम से कम इस कब्र, एक तरीके से ये भी कब्र में ही गाड़ना है ना उनको, कि वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर चुका है। कुछ बच्चे हैं उनके दांत बाहर होते हैं, ठीक है, सही, आप नाम रख के क्लास लेना शुरू कर देते हैं, सर आप क्या फर्क पड़ता है इससे। वी हैव लिव्ड इन अ सोसाइटी जहां जो ज्यादा मुंह का फायर है वो ज्यादा चीता है, जो ज्यादा अगले की किट लगा सकता है, लेग पुलिंग कर सकता है, उसको तो बड़ा माहिर समझा जाता है। आप एक कॉमेडियन को इज्जत दे रहे हैं माशरे के अंदर जिसका काम ही सिर्फ ऐसे एस्पेक्ट्स पे जोक्स करना है जो कमजोर एलिमेंट्स हैं, और ऐसे पावरफुल एलिमेंट्स को डिमीन करना है जिसको खुद तो अचीव नहीं कर सकते, तो चलो मजाक से नीचे गिरा, इसके पैसे मिलते हैं लोगों को। तो वो सोसाइटी जिसके अंदर बैशिंग के ऊपर आपका कंटेंट खड़ा हुआ, रोस्टिंग पे आपका कंटेंट खड़ा, आप कहते हैं या मेंटल हेल्थ इशू पे भी बात करेगा यहाँ।